या जस्ट एंट्री है जलियांवाला बाग, ये उसकी एंट्री है। Look at this. Yay! मैं भी बाकी हिंदुस्तान की धरती, हिंदुस्तान की वंदे मातरम। वाह यार कितनी वैसे वाली फीलिंग आ रही है। सब यहीं फोटो खिंचाते हैं, चलो सो गाइस जलियांवाला बाग में यहाँ पे ना रूम्स बना रखे हैं जिस टाइप के की जो गैलरी रूम्स होते हैं, यहाँ पे आपकी वीडियोस फोटोज और उस टाइम के रियल फोटोज रियल वीडियोस और जो भी था वो सब लगा रखा था डिफरेंट डिफरेंट गैलरीज में, गैलरी 1, गैलरी 2, गैलरी 3। तो वहाँ पे एक तरीके से एग्जीबिशन समझ लीजिए आप, वैसा वहाँ पे कर रखा था। मतलब उसमें जो अखबार के प्रिंट थे, न्यूज़पेपर के जो आते हैं डेली बेसिस पे, वो सब लगा रखे थे। मतलब गूज़बम्स हो रहे थे गाइस पढ़ पढ़ के। वीडियोज़ लगा रखी थी कि आप देख सकते हो उस टाइम की, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब चल रहा था, ऑडियो में भी वीडियो में भी उन सारे लोगों की फोटोज़। ये कुआं वही जिसमें लोग ऐसे कूद रहे थे, ये सब दिखाया गया पिक्टोरियल फॉर्म में। इस टाइप से बंदूकें चल रही थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि वहाँ पे मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था। मैं तो जस्ट मैं हबी को बोला यार चलो यार ज़्यादा टाइम ज़्यादा देर हम यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे। ये वो सब वो है जो रियल लोग थे वहाँ पे, जिन लोगों ने अपनी आँख आप बीती बताई है, जो लोग वहाँ पे जिंदा थे उस दिन, उन्होंने जो भी देखा जो महसूस किया उस दिन पे उस रात पे, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। ये 13 अप्रैल को क्या क्या हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावना दिन था वो, तो वो सब दिखाया यहाँ पे बताया गया है। गाइस ये रेनोवेट जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जिसको देखकर ना मैं सच्ची बता रही हूँ, आई स्वेयर ऑफ इट, मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो हॉल्स वगैरह बना रखे हैं ना, उन हॉल्स में जो भी स्टोरी थी ना उसको पिक्टोरियल और वीडियोस के थ्रू ये लोग बता रहे हैं हॉल्स वगैरह में, मतलब जो यू नो एग्जीबिशन टाइप है वो। गॉड, देख कर कभी गूज़बम्स हो गए। क्या बीती होगी उन लोगों के ऊपर जो इतने सारे लोग एक्सपायर हो गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। यार बहुत दुख हो रहा है मुझे। गाइज ये वो कुआं है जिसमें कई जिंदा लोग तो ऐसे कूद गए थे, गोलियां बरस रही थी तो वो लोग कूद गए थे इसके अंदर। ये वही कुआं है। जय हो प्रभु। ये सब रिमोट ऐसे पड़े हैं दक्षिणा। ये तो मर ही जाएगा तुरंत, पुलिस से बचने के लिए कुएं में कूदे होंगे शायद बच्चा। तो तब का पुराना किला है, पुराने के वाले उस टाइम का किला है, और ये बंदूक की वही गोलियां हैं जो गोलियों की गोलियां चली थी, उनके उनके छेद जो हैं ये वही छेद हैं बंदूक की गोलियों की। बताओ क्या ये है? जितने भी छेद हैं वो बुलेट के वही मार्क्स हैं जो कि उस टाइम बुलेट बंदूकें चली थी ना, इतने मोटे मोटे छेद हैं गाइस। क्या दिखाऊं मैं आपको, दिखाती हूँ। ये देखो गाइस ये वही निशान है बंदूकों के, ये देखो इतनी बंदूकें चली हैं, ये वही दीवार है। On the way to Wagha border. आ गए हम अंदर जहाँ परेड होती है। सो शाम के पूरे पूरे 5 बज रहे और हम बाघा बॉर्डर पहुँच चुके हैं। अब हम देखेंगे परेड। वो पाकिस्तान है सामने। क्या? सामने पाकिस्तान है। सामने पाकिस्तान है, हम इस पार हैं वो उस पार हैं। हिंदुस्तानी होने की इतनी प्राउड फीलिंग आ रही थी यहाँ पे आके, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती हूँ। बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग एक बार ज़रूर जाना बाघा बॉर्डर, जो भी लोग देख रहे हैं। ओ माय गॉड, वहाँ के जो लोग थे जो जज्बा था देख के, मतलब बस मैं आपको बता नहीं सकती
इतना प्राउड फील हो रहा था ना कि वाओ है और हमें इतिहास में गुंजायमान शब्द